आज सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। हर भारतवासी इस खबर को सुनकर गर्व महसूस कर रहा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुसकर 200 से 300 आतंकवादियों को मार गिराया है। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में घुसकर कई आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत ने पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों को निशाना बनाते हुए भारतीय वायुसेना के विमान से बमबारी की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस ऑपरेशन को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने अंजाम दिया। वायुसेना के मिराज 2000 ने पीओके में घुसकर जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी ठिकानों पर 1000 किलो से ज्यादा बम गिराए। इस हमले में कई आतंकी ठिकाने और लॉन्च पैड तबाह हो गए। भारतीय वायुसेना की इस कार्यवाही में 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। दोस्तों, खबर के अनुसार तीन जगहों पर भारतीय वायुसेना ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 12 ठिकानों को तबाह किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पीओके में बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में आतंकी कैंप तबाह किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने यह हमले सुबह 3:45 पर बालाकोट में, 3:48 पर मुजफ्फराबाद में और 3:58 पर चकोटी में किए। दोस्तों, भारत की इस कार्यवाही पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीओके में जैश के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हमलों के बाद पाकिस्तान में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा मंगलवार तड़के पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में हवाई हमले कर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख ठिकानों को तबाह किए जाने के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय सैन्य विमान द्वारा की गई हवाई फायरिंग के बाद विदेश कार्यालय में एक आपातकालीन परामर्श बैठक बुलाई है। इस बैठक में पूर्व विदेश सचिवों और वरिष्ठ राजनयिक भाग लेंगे, जिसमें वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की वेबसाइट में प्रकाशित इस खबर में यह जानकारी दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है और विदेशों को भारत की इस कार्यवाही के बारे में जानकारी दे रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर, पाक एयरफोर्स की किसी भी कार्यवाही का तुरंत जवाब देने के हैं निर्देश। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा मंगलवार तड़के पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में हवाई कार्य पर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख ठिकानों को तबाह किए जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। भारत की तरफ से अपनी वायुसेना को अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टमों को अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर और LIC पर हाई अलर्ट रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स कोई भी कार्यवाही करती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दोस्तों, न्यूज एजेंसी NI ने यह जानकारी दी है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर पीओके में हवाई हमले कर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख ठिकानों को तबाह किए जाने के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज की। पाकिस्तान ने कर लिया है स्वीकार, भारतीय फाइटर प्लेन ने क्रॉस की LOC, तबाही पर साधी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स ने LOC को क्रॉस करके जैश ए मोहम्मद के कई ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी ट्वीट कर भारतीय एयरफोर्स से LOC क्रॉस करने की बात कबूली है। हालांकि पाकिस्तान ने तबाही पर चुप्पी साध ली है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से LOC क्रॉस करने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना की ओर से समय रहते जवाबी कार्यवाही की गई। इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान विश्व स्तर पर अपने आप को कवर करना चाहता है कि वह आतंकवादियों को पालित नहीं करता है, इसलिए वह इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ इतना कह रहा है कि भारत ने LOC को क्रॉस किया लेकिन पाकिस्तान ने उसे भगा दिया, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। NSA अजीत डोभाल ने PM मोदी को दी पूरी जानकारी, हमले में तबाह हो गया जैश का कंट्रोल रूम। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में हवाई हमले कर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत की तरफ से पीओके में बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में सुबह 3:30 इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस हमले में बालाकोट में जैश का कंट्रोल रूम पूरी तरह से तबाह हो गया। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF काफले पर पाकिस्तान समर्पित जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकी हमले से नाराज भारत की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल PM मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और NSA एक अहम बैठक कर रहे हैं। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इन हवाई हमलों के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आतंकियों की सबसे बड़ी दुश्मन है मोदी सरकार, 4.5 साल में की 3 सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जम्मू
कश्मीर के पुलवामा में जो किया, 12 दिनों बाद भारतीय वायुसेना के जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीओके में घुसकर जैश ए मोहम्मद के करीब 12 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसके अंदर दोस्तों खबर मिली है कि 200 से 300 आतंकवादियों को मार दिया गया है। दोस्तों यह घटना 25 फरवरी सुबह 3:30 बजे घटित हुई। इसके बाद से पूरा पाकिस्तान सदमे में पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पुलवामा हमले के 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने लिया था बड़ी कार्रवाई का फैसला। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पीएके में घुसकर जैश ए मोहम्मद के करीब 10 ठिकानों को तबाह कर दिया। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए इस हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के 24 घंटे के अंदर ही बड़ी कार्रवाई का फैसला ले लिया था। पीएम मोदी ने आतंकवादी संगठन खत्म करने का आदेश भी दे दिया था। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने सोमवार को पीएके में घुसकर 12 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। दोस्तों पीएम ने हमले के बाद ही कह दिया था कि इसका बदला पाकिस्तान को जरूर चुकाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम मोदी ने कहा था हमारा पड़ोसी देश भूल रहा है कि यह नई रीत है और नई नीति वाला भारत है, यह दर्द को भूलता नहीं है और दर्द का बदला दर्द से लेता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ काफले पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट देने की बात कही थी। 15 फरवरी को यूपी के झांसी में पीएम मोदी ने कहा था कि इस हमले में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था पुलवामा हमले के गुनाहगारों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश यह भूल रहा है कि यह नई रीत और नई नीत वाला भारत है। आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं मिराज 2000 की 10 खूबियां जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। दोस्तों भारतीय सेना के पास मौजूद मिराज 2000 विमान एक सीट वाला फाइटर जेट है। इसका निर्माण डसाल्ट मिराज एलिवेशन ने किया है। मिराज 2000 फाइटर जेट को 1980 के दशक में फ्रांस से खरीदा था। यह विमान एक घंटे में 2495 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। फ्रेंच कंपनी का सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के पास 50 मिराज 2000 हैं। इस हमले में एयरफोर्स ने 12 विमानों का इस्तेमाल किया है। पिछले दिनों भारतीय सरकार ने इन विमानों के अपग्रेडेशन के लिए फ्रांस से डिसाल्ट एलिवेशन के साथ करार किया था, जिसके तहत कुछ विमानों का अपग्रेडेशन हो गया है। अपग्रेड करने के बाद यह विमान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। दोस्तों दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू विमानों की लिस्ट में मिराज 2000 10वें नंबर पर है। इसकी पहली उड़ान 10 मार्च 1978 को हुई थी। यह विमान जमीन पर भारी बमबारी करने के साथ ही हवा में मौजूद दूसरे प्लेन को भी निशाना बनाने में सक्षम है। दोस्तों 21 मई 2015 को मिराज 2000 ने दिल्ली के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर लैंड कराया था। इसके द्वारा इस बात का पता लगाया गया कि यह विमान आपातकाल स्थिति में राजमार्गों का इस्तेमाल भी रनवे की तरह कर सकता है। दोस्तों फ्रांस की कंपनी की तरफ से बनाए गए मिराज 2000 हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में भी सक्षम है। मिराज 2000 बेहद तेज गति से कम ऊंचाई पर उड़ते हुए जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। मिराज 2000 एक बार में 17,000 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज दोस्तों 1480 किमी यानी कि दोस्तों 1480 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करने की है। इसके साथ ही दोस्तों यह लेजर गाइडेड बम दागने में भी सक्षम है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 ने अहम भूमिका निभाई थी और दुश्मन को नस्ते नाबूद कर दिया था। तो दोस्तों यह थी मिराज 2000।